तो सुबह उठते ही चाय की गिलास, और पहाड़ों में चाय स्टील की गिलास में मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है दीपक और मैं हूँ अपने होम टाउन अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो अभी टाइम है सुबह के 7:30 और चाय पी रहे हैं। पहाड़ों में चाय स्टील की गिलास में मिलती है, तो ये रही। और चाय पीते पीते मौसम का आनंद लेते हुए, चारों तरफ का जो मौसम है ना, पहाड़ियाँ पूरे बादल से ढकी हैं, तो एकदम तगड़ा व्यू दिख रहा है। यहाँ से अगर देखें तो बहुत गजब का व्यू दिख रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं टाइम है 7:30 और इस साइड से सूरज निकल चुका है। और यह है मौसम कुछ इस तरह, पूरे बादल लग चुके हैं पहाड़ियों में, पूरे आप देख सकते हैं इन साइडों में भी पूरे बादल लग चुके हैं। और ये रही पहाड़ियाँ, पूरे बादल से ढकी हैं। देखिए कितना औसम मौसम मिल रहा है और व्यू कितना बहुत तगड़ा तगड़ा व्यू है। बादल दिख बादलों की वजह से जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। फ्रेंड्स, लोग पहाड़ों में जो रास्ते हैं बहुत ख़राब हैं, क्योंकि आजकल मौसम है बारिश वाला, तो उस वजह से घास वास सारी आ जाती है ना रास्ते में, तो बहुत ख़राब मौसम है। अभी आपको दिखाता हूँ, एक आदमी उस साइड से आ रहा है ना, तो लकड़ी लेके आ रहा है ताकि जो घास में पानी वो ना लगे। अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो अनार पहाड़ी दाढ़ी में है, ये वाला मीठा हो रहा है, और जो कल परसों मैंने आपको दिखाया था वीडियो में वो थोड़ा खट्टा हो रहा था, ये वाला थोड़ा ज़्यादा पका हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मीठा हो रहा है। तो फ्रेंड्स लोग, अभी टाइम है सुबह के 9 और अब मुझे दोबारा काम पर बुला लिया है, जिसका काम था उधर जाना है मुझे। तो कल तो काम फाइनल हो गया था, लेकिन अब दोबारा बुला दें। फिलहाल बज गए 9 और वैसे मैं जाता था सुबह की 8 बजे। अब देखते हैं आज वहाँ पे कैसा काम पड़ता है, क्या पड़ता है। और ये रहा दाढ़ीम, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे दाढ़ीम के एक दो वीडियो में आपको दाढ़ीम दिखा रखा, लेकिन वो जो दाढ़ीम थे वो खट्टे हो रहे थे, और ये मीठा हो रहा है क्योंकि पक रखा है थोड़ा सा, अच्छा तो मीठा हो रहा है। अभी जाते हैं। फिलहाल कुछ ऐसा है आज का व्यू, सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश, धूप हो चुकी है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, और गर्मी भी बहुत काफ़ी बढ़ चुकी है। आज चलते हैं, फिलहाल देखते हैं क्या काम होता है। सो फ्रेंड्स लोग, अभी आप देख सकते हैं जो रास्ता है पीछे एकदम खाली हो गया, और इस साइड का रास्ता भी घास वास पूरी काट कूट दी है। तो फिलहाल पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पर जहाँ घर बन रहा है, और ये ईंटें पहुँचानी है सबसे टॉप में, नीचे से लेकर तीसरी मंजिल ऊपर, तो भाई हालत ख़राब होने वाली है। फिलहाल कुछ ऐसा है और बहुत तेज़ धूप, करते हैं स्टार्ट अपना काम। अभी टाइम है दिन के 10 और इस साइड में धूप है, और मेरे बैग में देख सकते जो पहाड़ियाँ हैं ना, इन साइडों में धूप नहीं है। जब सूरज जब शाम के टाइम इस साइड में आ जाएगा ना मेरे सर के इस साइड में, तब उस साइड धूप चली जाएगी। फिलहाल उस साइड में धूप नहीं है, लेकिन जब सूरज का छिपने का टाइम होता है, जब सनसेट का टाइम होता है ना, तो उस साइड में आपको पहाड़ी में धूप दिख जाएगी। अभी दिखाता हूँ आपको, उस साइड में इतना पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं इन साइडों में पूरी जगह धूप धूप है, और इस साइड की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें कहीं भी धूप नहीं हो रही। आप देख सकते हैं टॉप टॉप में जो भी आपको दिखा पूरा खाली खाली एरिया है। फ्रेंड्स लोग, अभी टाइम है दिन के 12 और जहाँ मैं काम कर रहा था ये ईंटें यहाँ लानी थी, ग्रिल बन रही थी, आधी ग्रिल बन चुकी है और अब आधी बन रही है। और आप ये देख सकते हैं ना, ये जो मकान है पहाड़ों में शायद ये पहला मकान है जो ऐसा बन रहा है पूरा डिजाइनदार। आप छत से देख सकते हैं ना किस तरह डाल रखी है इस साइड, और ये कीरी मेरे बैक में इस साइड कुछ इस तरह का बन रहा है। और अगर आप उस रोड के साइड से और नीचे साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखेगा। पहला मकान है जो पहाड़ में इस तरह बन रहे, जिस तरह प्लेन्स में बनते हैं ना कोठी टाइप की, बोले तो बिल्डिंग जो बनती है तकड़ी वाली, तो वैसी यहाँ पर भी बन रही है।
अब मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ खाना खाने के लिए, और आज फिर से पहाड़ी ककड़ी का रायता बन रहा है। इससे पहले जो हमने रायता बनाया था वो हमने उसमें लाल मिर्च रखी थी, और आज हम हरी मिर्च रख रहे हैं। एक भाई है सागर भाई, जिनने कहा था कि भाई इसमें हरी मिर्च भी डलती है, हरी मिर्च का नमक डलता है, तो आज हम हरी मिर्च का नमक डाल रहे हैं। और यह है ककड़ी का जो कस के निकाल दिया जो रायता बनेगा जिससे, वो ये है। तो आज हरी मिर्च का नमक डल रहा है, और इससे पहले रेड मिर्च वाला नमक था। तो ये है मेरा खाना। तो भाई पहाड़ों में खाते हैं ऐसे ही खाना, चावल और दाल। तो पहाड़ों में एक टाइम तो चावल है ही है दिन का, रोज़ रोज़ दिन में हम चावल खाते हैं, चावल और दाल, और जो ककड़ी का रायता है उसको मैं अलग से खाऊंगा, क्योंकि अलग से खाने का स्वाद ही कुछ अलग है। यह है पहाड़ी ककड़ी का रायता, जिसमें कि हरी मिर्च का नमक पीस के रखा है। एक भाई है सागर वर्मा, जिन्होंने कमेंट किया था कि भाई हरी मिर्च का नमक भी होता है, तो भाई उस दिन रेड मिर्च पीस के रखी थी, जिसके कारण इसका जो रायता था उसका कलर रेड रेड से था, लेकिन इसमें जो मिर्च है वो ग्रीन मिर्च है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन है, और इसकी जो खुशबू है ना, क्या खुशबू है। तो फाइनली अब ग्रिल हिल पूरी लग चुकी है इधर से लेकर उधर तक, और यह फिलहाल का मौसम अब देख सकते हो ना, उस पहाड़ी में पूरी जगह अब धूप चली गई है, क्योंकि जो सूरज है ना वो अब सनसेट का टाइम आ चुका है इस साइड में, और यहाँ पे चमक रहा है इस साइड का। आप देख सकते हैं इस साइड में ना पूरी अभी धूप तो नहीं है, और कैमरा भी कैप्चर नहीं कर रहा। फिलहाल इस तरह का लुक है पूरा व्यू, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, और टाइम अभी शाम के 5 बज रहे हैं और सब कुछ तैयार। अभी टाइम है शाम के 5:30, और अपना दिहाड़ी मजदूरी करके भाई 400 रुपये दिहाड़ी बटोर के, और मालिक का जो है भट्टा बैठा के आ गए हैं। फिलहाल मेरे साथ है प्रवासी पहाड़ी वाले भाई, ठीक हो? आजकल आए हैं गाँव में, और अपना ब्लॉग शूट कर रहे थे, लेकिन मैं कहाँ और भाई देख रहा कितना गोरा है, और मैं देखो एकदम पूरा काला। गोरे काले का कुछ नहीं होता भाई, जो होता कर्म होते, ठीक है वो कर्म है भाई, जो होता कर्म होते अपने कर्म है भाई। और जिसको गांजा पीने का शौक है, ये रहा गांजा, आ सकता है यहाँ पे गांजा फूंक सकता है, बट फूकना नहीं है। फ्रेंड्स लोग अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, ये रहा जियो का टावर, स्पीड अच्छी है, इतनी भी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन है मतलब कुल मिला के इतनी है कि लगा लो मर मर के आपका अपलोड कर देगी, वीडियो अपलोड कर देगी। मैं झेल रहा हूँ ना अभी यहाँ आके, जो चीजें बता रहा हूँ और भाई शेयर कर रहा हूँ, और मेरे 250 से 300 MB की जो वीडियो है वो लगभग आपके आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। हाँ कभी कभी थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है ना, अप डाउन, अगर बीच में अटक गया, अगर मान के चलो 400 MB की वीडियो है 80% पर जाके अटक गया ना, तो मेरे 320 MB तो वो खर्च हुआ, और जो आप उस पेज पर अटके हो उस पेज ने जितना नेट खर्च कर रखा वो भी अटक जाएगा आपका, ठीक है, तो वेस्ट है। तो अपने पहाड़ों में भाई बहुत दिक्कत है नेट की। फ्रेंड्स लोग यह है नाइट में देघाट का व्यू, जितने भी लाइटें आपको दिख रही हैं इन साइडों से, ये सारे देघाट का व्यू है, और ये इस तरफ दूसरा गांव, और ये पूरा देघाट।